अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले अखबार में आया था, राजस्थान की बात है। एक पिता जिसके दो बेटे हैं, एक वकील है, एक डॉक्टर है, फर्स्ट ग्रेड डॉक्टर, फर्स्ट ग्रेड वकील, और वो बाप रोड पे बेटा भीख मांग रहा है। उदयपुर जिले की घटना है। धन्यवाद दूं मैं दोनों बेटा ने, धन्यवाद रैली खाली पड़ी है। एक वकील एक डॉक्टर का बेटा यदि रोड पर, पिताजी रोड पे भीख मांगता है, शर्म आनी चाहिए उस बेटे को। इरे बजाय तो राशन कार्ड में नाव नहीं वे तो ही चाले, कोई जरूर नहीं है राशन कार्ड में नाव हो, क्योंकि संतों ने लिखा है बिना खंबे टिका हुआ उसको आसमां कहते हैं, और जिसके दिल में कभी ममता का घाटा नहीं होता उस मूर्ति को माँ कहते हैं। एक बार अपनी माँ के लिए ताली बजाएं जिस माँ ने हमें जन्म दिया है। धन्य वो माँ, क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बदुआ महादेव से खाली नहीं जाती। चार चार बेटों को बर्तन मांझ के पाल लेती है माँ, पर क्या करें कलयुग में चार बेटों से माँ पाली नहीं जाती। आज बहुत दयनीय स्थिति है। हो जाए पूत कपूत सपूत मूंग छाती पर दड़ता, गलत ख्याल है लोगा नाम बेटों से नहीं चलता। द्रुपेलाज सुदामा ने भक्ति में नाम समाया था, मीरा के औलाद नहीं तो इस जग में नाम कमाया था। कर्माबाई की भक्ति पुरबली सांवरियो गरियायो दा बढ़िया रे ओले बैठ गन श्याम खींचो चढ़ो चढ़ो। कर्माबाई रे औलाद नहीं, मीराबाई रे औलाद नहीं, राणाबाई रे औलाद नहीं, फुलाबाई रे औलाद नहीं, तेजाजी रे औलाद नहीं, फिर भी नाव अमर है। क्यों बोला तो खाली राशन कार्ड चल सके, बाकी नाम चलाना बहुत दौर। हाँ नरेगा में हफ्तो ले आ सको, कोऑपरेटिव में कहूँ चीनारी दाल ले आ सको, कि अभी मारे 8 तोतड़ा है, 5-5 किला 40 किला गाल दे, नाम चलानो अपने आपने। बोले प्रेम से मात पिता गुरुदेव की, बोलो प्रेम से माता पिता गुरुदेव की, बोलो प्रेम से माता पिता गुरुदेव की। अजय 3 बार क्यों बोला है? कि जगह माँ बाप प्रेम करे जगह तो बोली है, जगह न्यारा रहे जगह तो कटू बोली। बोलो माता पिता गुरुदेव की। हाँ चाहे न्यारा रहो चाहे भेड़ा रहो, मैंने कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माता पिता से कभी मुंह मत मोड़ना। दुनिया में सब सुख चाहो तो माता पिता की सेवा करें। काशी जाओ मथुरा जाओ तीर्थ जाओ हजार, काशी जाओ मथुरा जाओ तीर्थ जाओ हजार, अरे जब तक घट में माता पिता की सेवा नहीं है तेरा सब तीर्थ बेकार। दुनिया में कभी आप किसी भी तीर्थ चले जाना, काशी जाओ केदारनाथ जाओ रामेश्वरम जाओ कहीं भी जाओ, लेकिन जब तक माँ बाप रो कहणों ने मानियो, हजार तीर्थ कर लिया और एक बार माँ बाप ने पानी लोटारो मना कर दियो तो हजारों तीर्थ करोड़ा दूर के बराबर है। सबसे बड़ा तीर्थ माता और पिता। आप तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली है कि घर में माँ है पिताजी है, और मेरे जैसा भागी जिसने दुनिया में माँ ही नहीं देखी, माँ क्या होती है, फोटो तक नहीं है माँ की दुनिया में। और जिस दिन समझ में आयो कि माँ क्या होती है, उस दिन से ओम डिगणा ने गौ माता को अपना जीवन बना लिया, कि जीना है तो गौ माता के लिए जीना है, बस ये मेरी सब कुछ जीवन है, यही जीवन की आधारशिला है। कि मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे, मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम ना होने देंगे, मेरे भारत के संतों को मंदिरों को कभी गुमनाम ना होने देंगे, खड़े खड़े प्राण तज देंगे, लेकिन अब मेरी गौ माता को कभी बदनाम न होने देंगे। इसलिए जहां तक होवे माता पिता की गौ माता की आप सेवा करें, ताकि तेजाजी महाराज रा जेड़ा जयकारा आप लगावा बे जयकारा अपना सफल हो जावे। जयकारा गणा ही लगाओ पूरी पूरी रात, गौ माता की जय गौ माता की जय। थोड़ा विचार करें, यदि अपनी गौ माता जिन्हें आप माँ शब्द कह पुकारा, शास्त्रों में कामधेनु माता वेद लक्षणा को दर्जो है, अरेवा यदि देखती है कि आप प्लास्टिक की थैली खावे तो समझ लो अपनी बेटे की पावर शक्ति नहीं है। यदि अपनी माँ जिन्हें जगत माँ कहवे, 33 करोड़ देवता जी में विद्यमान है, जिन्हें कहवा गौ माता, 80,000 रुपया लागे भैंस का, आज तक उनकी भैंस माता कहोगे एक शाम भैंस माता के नाम, आ तो कहवा एक शाम नंदी बाबा के नाम कहवा ना, आ थोड़ी कहवा एक शाम पाडा बाबा के नाम कौन कहवा ना, क्यों नंदी बाबा और गौ माता। इसलिए अब नियम बनाए, एक घर में एक गौ माता रखे आप, एक घर में एक गाय जरूरी है। जरूरी क्यों ते मन में सोचो, लाइन भजन गाँव बुलायो गाय बंधन बुलायो। मैं तो जहां भी जाता हूं गौ माता के लिए बोलता हूं, और थोड़ा कड़वा बोलता हूं, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, और जगह कालजे में चढ़े ना
वे गौ भक्ति ने हमेशा दान दिया करे। तो मैं आ थोड़ी कहूं एक रात में पूरा भारत उधर जावे, धीरे धीरे फर्क पड़ियो काफी, दो तीन साल में क्रांति आई है राजस्थान में, काफी मेरे युवा भाई जुड़े हैं गौशालाओं से और 80-90% गौशालाओं की स्थिति सुधरी है क्योंकि मेरे युवा साथी बहुत ज्यादा जुड़े हैं। तो थाने भी मारो निवेदन है जटे भी गौ माता पीड़ित हुए एक्सीडेंटल हुए बिना आप हॉस्पिटल तक पहुंचाए गौशाला तक पहुंचाए, क्योंकि गौ माता रही तो सनातन धर्म रहेगा और सनातन धर्म रहे तो अपने संत रहेंगे, संत रिया तो अपना शास्त्र रहेला और शास्त्र रियो तो अपना देश बचेला, बाकी बचवाड़ा नहीं है। आने वाले 10 सालों के बाद में बहुत समय कड़ा उड़ा रही है, इसलिए थोड़ा विचार करें इस चीज पर, मनन करें, हर गांव में गौशाला लगवाएं ताकि रोड पर जगह गौ माता एक्सीडेंट हो जाए माने गौशाला में आश्रय मिल जाए, पानी मिल जाए, चारों मिल जाए। बोलो प्रेम से गौ माता की जय हो। अभी लगभग 2021-22 लॉकडाउन के दरमियान 100-125 गौशाला का नया संचालन हो रहा है, लगभग 125 गौशाला बनवा दी खुद जाजार, ताकि गौशाला क्यों बनावा, कम से कम जगह घर में रखने की जगह नहीं तो बेली यार गौशाला में गौ माता की सेवा कर सके। यदि आपके घर में गाय बांधने की जगह नहीं है तो आप गौशाला में एक गौ माता को गोद ले लो, एक गौ माता को खर्चा हो 12 महीना में 11,000 रुपये आप जमा करवाएं और बोले ये गौ माता मेरी गोद है, और अपने बच्चों का जन्मदिन गौशाला में मनाएं। ध्यान रहे आज के बाद यदि मेरी बात आपने मानी है और मानेंगे, तेजाजी महाराज के आप परम भक्त हैं, तो आज के बाद 19 तारीख के बाद कोई भी बच्चे का जन्मदिन आता है उसको घर में नहीं मनाएं, केक नहीं काटें, डब्बू नहीं फोड़े, मोमबत्ती ना बुझाएं, सीधे बच्चे को लेकर गौशाला जाए, एक गुड़ की पेटी ले जाए, 500 रुपये में गुड़ आएगा, उस बच्चे के हाथ से उस गौ माता को गुड़ खिलाए, 12 महीने के बाद उस बच्चे का रिजल्ट देखना आप, 100% उसका रिजल्ट, 100 में से 100% फर्स्ट डिविजन आएगा, और डब्बू फोड़े जगह टावरा रिजल्ट देख लियो सप्लीमेंट्री ग्रेस उपास हुए। इसलिए बच्चों के जन्मदिन पर अपना सनातन धर्म यह कहता है कि कभी मोमबत्ती मत बुझाना, मोमबत्ती का काम अपना नहीं है, ये गोरिया यार छोड़ गया मोमबत्तियां अपन ला रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू लिखते पेरियडो गुदड़ा मुँह तो जन्मदिन मना रिया है बेटो जो बूट पेरियड हु तो ये कौन है, बोले इसका ही तो जन्मदिन है, बर्थडे बॉय है, बर्थडे बॉय है, बर्थडे बॉय खाड़ा फेरियोड़ा पोटो भरिया लिखता रह जाऊ बड़को गुदड़ा में। इसलिए थोड़ा विचार करें, अपने बच्चों का जन्मदिन आज के बाद गौशाला में मनाएं। आप यदि ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं एक काम और करना, एक गौशाला में एक पेड़ जरूर लगाएं, यदि पर्यावरण को बचाना तो एक रूख जरूर लगाना बचा रहा। तो देखो आने वाला समय में आपको पता होगा अभी लगभग 5,000 पेड़ लगवाए गए हैं हर गौशालाओं में, ताकि आने वाले 5 सालों के बाद में गौ माता ने ऑक्सीजन मिलती रहे, गौ माता ने ऑक्सीजन मिलती रहे। ऑक्सीजन तो अपाने कौन मिली, लॉकडाउन में गड़ाई फिरिया लोग रिपिया गलियोड़ा लाख लाख ऊपर लीजिए हमें पर सिलेंडर कौन मिलिया घना रिपियाड़ा ने मैं देख गया जगह कहता हमारा बेंगलोर में पड़का पड़ा है, हमारा मद्रास में पड़का पड़ा है, बाने ऑक्सीजन का सिलेंडर कौन दिया, बोले पड़का थाना पड़ता भाई यही कौन सिलेंडर, जगह कहता करोड़ों का बिजनेस करते हैं एरोप्लेन में अपडाउन करते हैं, जगह बजरियाला डंपर में बड़बड़ गिराया, ये हकीकत है। जगह कहता हम तो फ्लाइट से नीचे नहीं उतरते, सीधा जयपुर से फ्लाइट आती है वाया लेते नहीं, सीधा डायरेक्ट टिकट 2 घंटे 35 मिनट में घर जाते हैं हम, जगह टेलर में बड़बड़ गिराया लॉकडाउन लागो जन टाबरा ले लर खुणा में बड़ोड़ा अरे बापूडा ले लर सुसुर छोड़ दे पचे पाला जाता रहे अपने, जगह बोलता रजनीगंधा खाते जगह तानसेन का दानों काम चलाए, बाकी हेकड़ी उतर गई लॉकडाउन तो अच्छा अच्छा कमर तोड़ी है। इसलिए थोड़ा ये ध्यान रखे, समय कणे बदल जा लो, समय रो कोई भरोसा नहीं, कभी पलटी मार जावे, मैं रहा ना रहा शब्द रहेंगे हमारी केवड़ी बातें याद रहे वेला, और एक आदमी भी कल सुबह से यदि गौ माता की सेवा करना शुरू कर देगा तो मेरा यहाँ 250 किलोमीटर आना सफल हो जाएगा, बाकी मैं कोई पैसा टकाना भूखा को नहीं, सिर्फ प्रेम है ये पनेर गांव के प्रति, ऐसो लगाव जुड़ गयो है आप गांव रो नमक खायो में, तो मैं मेरे कहने को फर्ज बने कि एक घर में एक गौ माता जरूरी है, मातृ शक्तियानंद में जाऊं जटी कहूं माता बहनों थारो घर में राज है, एक घर में गाय बंधन की जगह थाने करनी है भी, गाय ने पूजा रे तौर पर घर ले आओ, सुबह शाम मुंडो देखने रोटी जिमाओ ने गुड़ जिमाओ ने घर में गौ माता रखो, आने 10 साल के बाद में पतो चलेगो कि वो डिगना को टाबर केर गयो अभी गाय की जरूरत है, कटू लिया 10 साल बाद में गौमूत्र, यदि यूं गया खत्म हो गई यूं गया एक्सीडेंट और खत्म होगी ना तो 10 साल के बाद में गौमूत्र नहीं मिलेगा, पचे थाने ऑनलाइन शीशे मंगानी पड़ी अमेजोन मोशन किसे कार्ड मिले ऑनलाइन करावे ना पैकेट बिना कहीं क्या करे फ्लिपकार्ट कहीं हाँ ऑनलाइन मंगावला 10 साल के बाद में बेटी को ब्याह बामन बोली चौरी में भाई ने बिठावा हाँ बिठाओ
तो चौरी में छे छाणा, छाणा ही बोलो हुकोड़ा ने कहीं बोलो छाणा कटू लिया दस साल के बाद में गए नहीं हुई तो छाणा कटू लाओ, छाणा लाओ भैंस का उपगड़ी में भैंसा मिली। अरे भैंसा नहीं भेज दो पैकेट ऑनलाइन मंगाओ तीन दिन पहले ऑनलाइन वाला मैली पाडारा छाणा। अब पाडारा छाणो चौरिया मंडी मन बताओ ब्याह हुदरी की बिगड़ी यही होना, ये हकीकत की बात है। दस सालों की आगे भी होचो आप अपना टाबरारों को ढंग वेला ठीकर छोटा छोटा बच्चा स्कूल जावेला कुण पटन दे लाना ठीकर अकेला सब्जी लाऊन बाजार जावेला। सोचो आप इतो समय खराब आ रही हो, थोड़ा एक हो जाए विचार करें जातिवाद को मेट दे। आप जातिवाद नहीं करें, मंदिर में तो वैसे जातिवाद करना ही नहीं है और जहाँ जातिवाद होता ओम डिगना हुआ कार्यक्रम ही नहीं लेता है। मैं जाऊँ भी कौन है पहली पूछा माने विदाउट पॉलिटिक्स विदाउट जातिवाद लाखों नहीं करोड़ों रुपया एक रात में भेड़ा करा दूँ थाने टेंशन मत लो। रुपया घना ही आए पांच पांच करोड़ दस दस करोड़ चौदह चौदह करोड़ एक रात में भेड़ा करा दें लेकिन बिना पॉलिटिक्स राजनीति नहीं होनी चाहिए गौशाला में, जातिवाद नहीं होना चाहिए गाँव में। अपा जातिवाद कर बैठे हैं, देवता कोई जातिवाद कौन करे हो? तेजा जी रात रात जात थोड़ी पूछी लाचा गुजरी की कौन जाति की है, ऊट रवाना होगी आज बारो नाव चला। इसलिए थोड़ा विचार करें ये चीजें थाने कोई मंच मत कौन कह वेला न तो कोई संत बोले न कोई कलाकार बोले की कड़ी है कौन कड़ी उपली जय में पेमेंट गाली ओम जय जगदीश सर लिया पयार गया घरे कोई की अड़ी को नहीं। हमारे अड़ी क्यों है कि मैंने 18 साल पहले मेरे पिताजी से वादा किया कि जब तक बोलूंगा सनातन धर्म के लिए बोलूंगा और प्राण भी दूंगा तो गौ माता के लिए दूंगा।